हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गाइड चैनल आप लोगों के लिए फिर एक अपडेट लेके आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नोटिस दिया हुआ है आरआरबी की तरफ से। उसमें बोला है, अटेंशन कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन नंबर 02/2018 जो 7th पे स्केल में है और लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का, ठीक है। मैं बोला गया है द एग्जामिनेशन डेट्स हैव नॉट बीन डिसाइडेड येट। एग्जामिनेशन डेट अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है एंड हैंस कॉल लेटर कैन नॉट बी डाउनलोडेड नाउ। तो अभी तक आप कॉल लेटर नहीं डाउनलोड कर सकते, ठीक है। और जो बोला गया है, व्हेन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन इज डिसाइडेड द लिंक विल प्रोवाइडेड फॉर द डाउनलोडिंग द ई कॉल लेटर इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आरआरबी कोलकाता। और यानी आरआरबी कोलकाता में वेबसाइट दिया जाएगा, यानी हर एक वेबसाइट में दिया जाएगा। प्लीज़ डू नॉट फॉलो फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ फॉलो मत कीजिएगा एंड विजिट फेक वेबसाइट रिगार्डिंग द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो फेक वेबसाइट भी आप मत विजिट कीजिए डेट ऑफ द एग्जामिनेशन के लिए। डेट एग्जामिनेशन फिक्स्ड अगर हो जाएगा तो आरआरबी ही आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आप जो कर सकते हैं वो आरआरबी का वेबसाइट हर एक दिन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइड नोटिफिकेशन नंबर 02/2018 फॉर द आरआरबी कोलकाता द रजिस्ट्रेशन नंबर बिगिंस विथ 22। रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होगा 22 से एंड इट इज़ अ 10-डिजिट नंबर, ठीक है। ये एक 10-डिजिट नंबर है एंड द सेम कैन नॉट बी यूज फॉर द डाउनलोड ए कॉल लेटर फॉर द ऑनगोइंग एग्जामिनेशन। तो ये द सेम कैन नॉट बी यूज टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर द ऑनगोइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यानी कि जो कॉल लेटर है वो ALP और टेक्नीशियन के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ALP टेक्नीशियन का जो कॉल लेटर है वो आप ग्रुप डी में नहीं यूज़ कर सकते। तो ऐसा कुछ नोटिस दिया गया है आरआरबी की तरफ से, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, आपका प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से लीजिए। और प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी मैं थोड़ा बोलूँगा, जिसमें मैं आरआरबी ALP टेक्नीशियन का क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह आपका जो ग्रुप डी का भी होगा, ग्रुप डी का कुछ थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा, ठीक है। ये आसान सा नहीं रहेगा, आसान सा इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्या कर रहा है वो, एक टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन ले रहा है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक का मतलब आपका जो बुक होता है, ठीक है। कि कैसा क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन हम देख रहे थे कल सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, पीरियडिक टेबल में किस पीरियड में दो पीरियडिक टेबल में किस टेबल में 8 एलिमेंट है, ठीक है। अब 2 और 3 में है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि आपका जो पीरियडिक टेबल है आपका सामने रहना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था एका एलुमिनियम, ठीक है। इस किसको एका एलुमिनियम कहा जाता है। मेंडलिव ने जब पीरियडिक टेबल निकाली थी तब गैलियम का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। गैलियम का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मेंडलिव ने बोल दिया था एका एलुमिनियम नाम का एक एलिमेंट आएगा जिसका प्रॉपर्टी कुछ एलुमिनियम की तरह ही होगा, ठीक है। उसको वो क्या है, गैलियम। तो ये अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। यही बात मैं बताना चाहता हूँ, हर एक केमिस्ट्री जनरल साइंस 25 मार्क्स है, ठीक है। हम थोड़ा बहुत मैथ जरूर करा देंगे आप लोगों को, मैथ तो ज़रूर बेसिक लेवल का मैथ हम ज़रूर करा देंगे, लेकिन आपको और सब चीज़ों में आपको टेक्स्ट पढ़ना ही होगा, ठीक है। टेक्स्ट आपको पढ़ना ही होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब रेल बोल ही दिया है, ठीक है, कि आप अच्छी तरह पढ़ के आओ तभी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फ्रॉम द चैनल स्टडी गाइड। तो चैनल स्टडी गाइड रेलवे के लिए और भी बहुत सारा वीडियो लेके आने वाला है, ठीक है, ठीक है। TCL के लिए एक वीडियो हम लाएंगे आज, ठीक है, एक नॉन टेक्निकल का सिलेबस का हम लाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी ही लेके आया जाए, ठीक है।